મમ્મી તને બહુ હેરાન કરે છે. હે સાચું? તું સુબહ કે બચ્ચું કે નો? ગુડ મોર્નિંગ મમ્મી. ગુડ મોર્નિંગ બેટા. ગુડ મોર્નિંગ. કે હે ભાઈ, પત્ની આપણે ધર્મ પત્ની કહીએ તો પછી શાળાને? તો શાળાને ધર્મ શાળા. इंडिया में एक से एक नमूने पड़े भाई. कैसे कैसे क्रिएटिव जोक्स बनाते हैं यार, सही में. तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है मेरी चैनल में. और ये भाई देखो, ये पिंपल परसों छोटा वाला था, आज बड़ा हो गया है, कल उससे भी बड़ा हो जाएगा, फिर चला जाएगा. लेकिन ये देखो यार, अपनी फ्रेम में ये कौन नए बंदे आ गए भाई. भाई आप हट जाओ, मुझे यहाँ पे शूट करना रहता है. गुड मॉर्निंग का मैसेज यहाँ से मैं करता हूँ. पर कोई नहीं यार, बारिश का मौसम है, कपड़े तो बालकनी में ही सुखाना पड़ेगा. खांसी है नहीं, ऐसे ही आ गई. तो ये था हमारे कबू के लिए खाना. हमारा कबू अभी आता ही होगा, अभी थोड़ा बारिश रुक गया है तो यहाँ वहाँ घूमता रहेगा. मम्मी हर रोज उसको दाने डालती है यहाँ पे, और उसकी यही ट्रिक है, बाउल को ऐसे पकड़ोगे तो वो गिर जाएगा नीचे, उसको ऐसे ऐसे झटका मार के नीचे डालना पड़ता है. तो मैं जा रहा हूँ आलू की चिप्स लेने, क्योंकि आज शनिवार है और मम्मी और भाई व्रत रखते हैं. तो मैं तो नहीं रखता यार, मुझे बारिश के मौसम में थोड़ी ज़्यादा भूख लगती है, तो मैं तो यार व्रत नहीं रखता. तो यार अभी थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है और आज मेरा शूट भी है 11 बजे के आसपास. देखते अभी शूट पॉसिबल होगा कि नहीं. तो अपने जाते हैं, फटाफट रेडी होते हैं, फिर बाद में मिलते हैं यार. तो अभी बारिश रुक गई है तो हम शूट के लिए निकल रहे हैं, और मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि शूट किसका होने वाला है. हम लोग रील्स बनाने वाले हैं. पहले सीट बेल्ट बांध लो भैया. हम लोग पहुंच गए अभी रसम पार्टी प्लॉट, जहां पे हमें शूट करना है. लेकिन बारिश चालू हो गई है तो आउटडोर शूट पॉसिबल नहीं होगा, इंडोर शूट ही करना पड़ेगा. और हमारे क्लाइंट जो है वो अभी रास्ते में, जो कि वेल नोन पर्सनैलिटी है इंस्टाग्राम में. यहां पे देखो आप, इसका आईडी पॉपअप हो रहा होगा. अरे यार बारिश ज़्यादा चालू हो गई, हमें जाना पड़ेगा अंदर. बारिश का क्या क्या सीन है पता है? जब मुझे बारिश नहीं चाहिए, मैं शूट करने के लिए बाहर जाता हूँ, तब बारिश आती है. जब ऑफिस में रहता हूँ, माहौल बनाना है, चलो बारिश आएगी, आज तो बारिश आएगी, अंधेरा फूल है, बारिश आएगी, तब बारिश नहीं आती. मेरे साथ वैसे ही होता है. तो भाई आपका क्या कहना है बारिश के ऊपर? एक हफ्ते से बारिश का माहौल बना है, बट बारिश नहीं आ रही है अहमदाबाद में. आपका सिटी का तो मेरे को मालूम नहीं है, सूरत है, मतलब राजकोट है, बड़ौदा है, अमरेली, भावनगर, क्या होता है, बट इधर नहीं आ रही है अहमदाबाद में बारिश. यार आपकी सिटी में से भेजो ना अगर ज़्यादा है तो. थोड़ा सा है तो भेजो यार उधर से. अभी भी क्लाइंट नहीं आया है. हमारा क्या रहता है, हमें फोटोग्राफर को टाइम पे पहुंचना रहता है, लेकिन क्लाइंट क्या कभी कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो थोड़ा दिक्कत ऐसे ही आता है. पर हम फोटोग्राफर को टाइम पे पहुंचना चाहिए. अगर फोटोग्राफर कोई देख रहा है तो यार लेट मत पहुँचो, फोटोग्राफर की एक इमेज होनी चाहिए, हमें टाइम पर पहुँचना चाहिए. हेलो हेलो हेलो. तो अभी आ गए हैं, अभी हम शूट चालू करेंगे. પછી અહીંયાથી તમે આવો, શું તમે પણ ત્વચાની સુંદરતા માટે ચિંતિત છો? તો હવે તમારી ચિંતા દૂર થશે. એ અમારી હેલ્પ કરાય પૂરે સેટઅપ કરને મેં. इसका नाम है रिदान. हेलो रिदान. तो कैसा रहा अपना शूट? बहुत बढ़िया. हाँ, इनको फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम में जाइए, माही पटेल सर्च कीजिए. ये एक वेल नोन इन्फ्लुएंसर है, गुजरात में काफी इनका नाम है, तो फॉलो कीजिए. और हमारी चैनल को भी फॉलो करना है. यस, थैंक यू. तो अपना शूट खत्म हो गया, शूट खत्म करके यहाँ पे आ गए हैं ऑफिस पे. अभी हम उसको एडिट करेंगे पूरा,
और आपको दिखाएंगे कैसा रील्स हमने बनाया है। और आज खाने में है गुआर आलू की सब्जी, दाल, राइस, रोटी। तो मिलते हैं खाने के बाद। तो आज का दिन यार काफी अच्छा रहा है, हमने शूट किया पूरा बिहाइंड द सीन आपको पूरा दिखाया। तो वो रील्स आपको देखने के लिए माही पटेल सर्च करना है इंस्टाग्राम में, उनकी आईडी में आपको रील्स मिल जाएगी। और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए @moviebandproduction। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को यार लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।